आपको बता दें बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 2003 में सपा ने मदरसा बोर्ड खोलने की शुरू की थी बात। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की 124 आईटीआई की होगी जांच। छात्रों की ट्रेनिंग और शिक्षकों के दस्तावेजों को जाएगा परखा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी मदरसा बोर्ड की 124 आईटीआई की होगी जांच। छात्रों की ट्रेनिंग और शिक्षकों के दस्तावेजों को जाएगा परखा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने जारी किए निर्देश। 2003 में सपा ने मदरसा बोर्ड खोलने की शुरू की थी कवायद। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की 124 आईटीआई की जांच होगी। छात्रों की ट्रेनिंग और शिक्षकों के दस्तावेजों को परखा जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने जारी किए हैं निर्देश। 2003 में सपा ने मदरसा बोर्ड खोलने की शुरू की थी कवायद। यूपी मदरसा बोर्ड की 124 आईटीआई की होगी जांच। इस पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी। दिनेश जी, आज जो ये 2003 में सपा ने मदरसा बोर्ड खोलने की कवायद शुरू की थी, आज वहां पर शिक्षा लखनऊ के यूपी मदरसा बोर्ड में 124 आईटीआई की जांच होगी, जहां पर छात्रों के और शिक्षकों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे, इस पर क्या अहम जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की 124 आईटीआई की जांच होगी, जिसमें छात्रों की ट्रेनिंग का स्तर और शिक्षकों के दस्तावेज को भी परखा जाएगा। 2003 में सपा सरकार द्वारा बोर्ड खोलने, मदरसा बोर्ड खोलने की शुरुआत हुई थी। इसमें आईटीआई को स्टेट या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की मान्यता नहीं थी। ऐसे में अब विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बाकायदा आदेश जारी कर कहा है कि 2003 में ये मदरसा बोर्ड जो खुला था, बच्चों की ट्रेनिंग, शिक्षकों की पात्रता, उनकी योग्यता को बाकायदा चेक किया जाए। सरकार द्वारा फंड लगातार इस पे खर्च किया जा रहा है, तो उसका सदुपयोग कितना हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर धर्मपाल सिंह ने, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी कर ये निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द जांच की जाए। धन्यवाद दिनेश जी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने आदेश जारी किया है, जिसमें